बुलंदशहर में गौकशी को लेकर हुए बवाल और हिंसा में सियाना इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शहीद हो गए। शहीद सुबोध कुमार का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव एटा के तरगिवा पहुंचा, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि सुबोध कुमार को उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। वहीं शहीद इंस्पेक्टर की पत्नी रजनी ने मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। क्या कहना है? चलो जाने दो, मेरे पति ले जाओ, ले जाऊंगा प्लीज यार, छोड़ो थोड़ी देर, नहीं दिखाई सरकार जो उनके साथ हुआ वो नहीं होना था, वो नहीं होना था। वो मैं जानती हूँ, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते थे और सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके और कब काम किया करते थे। वो कहते थे जहाँ तीन की जरूरत होती है मैं दो से काम चला लेता हूँ, और जहाँ एक सिपाही की जरूरत होती है वहाँ मैं खुद काम करता हूँ। वो ऐसे काम करते थे, मैं जानती हूँ। पता है जब चार्ज होता था घर पे खुद नहीं आते थे, कहते थे बच्चों को देखने का मन कर रहा है, तुमको देखने का मन कर रहा है, तो गाड़ी भेज के वहीं बुला लेते थे। पता है इतनी ऑनेस्टी से हमारे पति काम करते थे। अच्छा, और हर ना जाने कितनी गरीब औरतें होंगी जिनकी उन्होंने घर में जो है एंट्री दिलवाई है, उनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया था। जाने कितने हमें आकर बताया करते थे, उनके स्वभाव में जानती थी। बहुत दिलेर थे, बहुत बड़ा दिल था उनका। लेकिन आज जो उनके साथ में पुलिस डिपार्टमेंट ने जो संकोच किया है उनके साथ में, उससे मेरी छाती फट गई। किस तरह का संकोच आपको महसूस हुआ? उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई, उनके साथ न्याय नहीं कर रहा कोई, उनको मारने वालों के लिए मार के रख दो तो न्याय है। गौरतलब है कि शहीद के परिजन सीएम योगी से मिलने पर अड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगंज के विधायक सत्यपाल राठौड़ के साथ बातचीत की और सीएम ने सुबोध के परिजनों की उन मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए एटा से संजीव गुप्ता की रिपोर्ट।